बहुत ही दुख भरी बात है ये कि किसी इंडिविजुअल ने ऐसा स्टेप लिया अपनी लाइफ को लेकर। बट अभी मैं इस वीडियो में किसी इंडिविजुअल की बात ना करते हुए बात करना चाहूँगा अपने देश भारत की। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने एक अभियान चलाया था बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का, और कहीं ना कहीं जब से वो सारी 59 ऐप्स जो चाइना की थी वो ब्लॉक्ड हुई हैं, तब से हम लोगों ने ये मान लिया है कि हमने जो हमारा जो अभियान था चाइना के विरुद्ध वो हमने जीत लिया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। जैसे कि चाइना के बनाए हुए वायरस से हम लोग पिछले 4 महीनों से लड़ रहे हैं, ऐसे ही बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट की भी लड़ाई एक बहुत ही लंबी लड़ाई है। आपने देखा होगा सोनम वांगचुक ने काफ़ी वीडियो शेयर करी, काफ़ी लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी किया, पर कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो फेसबुक के फीड्स की तरह हो गया है कि हम लोग सिर्फ जो रीसेंट चीज़ें होती हैं हमारी आसपास सराउंडिंग्स में उनको हम लोग याद रखते हैं, और जो पुरानी बातें हैं उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ऐसा हम लोग बन गए हैं क्योंकि अभी हमारे पास जिस डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं, उस डिजिटल एरा में हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर तरफ से फ्लो हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो अभी हमारी तरफ हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसको मेमोराइज़ करने में, उन सब इतने ज़्यादा कंटेंट होने के साथ साथ अपने दिमाग में वो चीज़ें मेमोराइज़ करने में हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है हमारे पॉलिटिशियन इलेक्शन में भी उठाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट ये होता है कि आप लोग जो अपने आसपास जस्ट कुछ दिनों पहले देखा हो आपने, 10 महीने, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, उन्हीं चीज़ों को याद करके आप इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं। उसकी जो 5 साल की जो भी उसने काम किया या कुछ उसने 5 साल में जो भी गड़बड़ करी उनको भुला के हम उसके लास्ट के 6 महीने, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन को देखते हुए हम लोग उनको अपना वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सेम चीज़ हम लोग अब भी कर रहे हैं कि हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं कि किस चीज़ के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे। हम लोग फाइट कर रहे थे चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि आम जनता अपनी तरफ से यही सब चीज़ें कर सकती है कि वो चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट था, हाईवे प्रोजेक्ट था, सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया, और ये इंश्योर किया कि आगे आने वाले टाइम में भी चाइना को हम लोग कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देंगे जहाँ पे हमारी कंट्री का नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों की यही कोशिश रही है कि अपने देश को आगे रखा जाए, लोकल से वोकल का जो नारा था उसको सच बनाया जाए, सिर्फ उसको एक डायलॉग की तरह, या जैसे ही वो प्रधानमंत्री जी ने बोला अपने भाषण में कि हमें लोकल से वोकल होना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको शेयर किया, उसको प्रोत्साहित किया, लोगों को बोला, बट अब वो लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं और वो कहीं से भी इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे देश का फायदा हो। ऐसा वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है, और एक ही बात को अगर हम लोग बार बार याद दिलाएंगे तो लोग भी मतलब इतना उस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम है लोगों का एंटरटेनमेंट का, उनको चाहिए रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें उनकी तरफ आती रहें, नया नया मटेरियल उनको सोशल मीडिया पे मिलता रहे जिसको वो शेयर करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालकर लोगों से ज्ञान की बातें तो ज़रूर करें, बट कोई भी आगे आके उन सब बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में। तो यही दिक्कत हमारे साथ हुई है अभी भी
कि हम लोगों ने एक मुहिम तो चलाई चाइना के खिलाफ, बट उस मुहिम को हम लोग उस वे से आगे नहीं ले जा पा रहे। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा फ्लिपकार्ट, पूरा अमेज़ॉन चाइना के ही प्रोडक्ट से पूरा भरा हुआ है। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि चाइना की दो कंपनियों ने ही 10 फ़ोन मार्केट में उतारे हुए हैं, अलग-अलग ब्रांड के। और आप कहीं से भी कुछ भी खरीदिए, आपके पास हर एक दिन में बम्बार्डमेंट कर दी जाती है नए मॉडल्स की, नए फ़ोन्स की, ताकि आप कहीं पे भी जाएं, अल्टीमेटली जो सामान है वो चाइना का ही बिकेगा। आप देख रहे हैं वन प्लस अपना फ़ोन लॉन्च कर रहा है, रियलमी कर रहा है, रेडमी कर रहा है, एमआई कर रहा है, पोको कर रहा है, ओप्पो वीवो तो लाइन लगाते ही हैं फ़ोन लॉन्च करने की। तो ये इतने सारा, मतलब हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, बट हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मुहिम पहले चल रही थी अब वो कहीं ना कहीं शांत हो गई है, जो हमने ऐप ब्लॉक करे थे उसके बाद। पर ये मुहिम बहुत लंबी है दोस्तों, ये एक छोटी मुहिम नहीं है। अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है चाइना को अगर हमें हराना है तो। चाइना के लोग भी इसी काम में लगे हैं कि कैसे भारत को हराया जाए। और हमारा ये मानना है कि सिर्फ भारत ही चाइना का ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, बट ऐसा नहीं है। चाइना ने पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी जाइए, कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐसे बनाए हैं जहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, कि उनके अलावा उस प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में कोई बेचेगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों से अगर हमें बचना है, तो कैसे हम लोगों को एक छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन से लेकर एक बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन में उसको अपने देश के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक छोटी जंग नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि एक हर एक दिन अगर हम अपने देश के लिए लगाएंगे, हर एक दिन हम ये सोच के रखेंगे कि हमें चाइना को हराना है, तब जाकर हम 10 साल 20 साल बाद चाइना को हरा पाएंगे। ये कोई एक छोटी मुहिम नहीं थी जिसमें आप कुछ ऐप्स ब्लॉक करके इस युद्ध को जीत जाओ, ये एक बहुत ही बड़ा हमारी लड़ाई है चाइना के साथ। हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए थे जो पीछे हमारा बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था डेवलपमेंट को लेके चाइना के साथ। और ये 20 सोल्जर बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि पहले सीआरपीएफ के जवानों के जो बस पे हमला हुआ था जिसमें हमारे तकरीबन 44 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर उनको जवाब देने के लिए। तो ये जो भी चाइना ने किया है, हमारे 20 जवान सैनिक शहीद हुए हैं जिसमें ऑफिसर्स भी थे इंडियन आर्मी के, और तकरीबन 40 से 50 हमारे जो सैनिक थे वो घायल हुए हैं इस जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ। तो इन चीज़ों को हमें अपने दिमाग से नहीं निकालना चाहिए। अगर हम सच में अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो नफ़रत हमें चाइना के लिए हमेशा अपने मन में रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान के लोगों को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि भारत के लोग आपके दुश्मन हैं, भारत के लोगों का आप कभी भी साथ मत दीजिए। हम लोगों ने फॉरेन में भी विजिट किया, स्कॉटलैंड में हम लोग गए, जहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान के लोग आज भी भारत के लोगों से उतनी ही नफरत करते हैं। वो कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि जहाँ वो भारत के लोगों को ना लूटें, चाहे वो देश हो या विदेश हो। उनके मन में भारतीयों को लेकर इतनी ज़्यादा नफरत डाल दी गई है, और वो सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग अपने देश के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं। इसीलिए जो भी उनके देश की के आगे बाधा बनेगा, वो लोग उससे नफरत करेंगे। पर हम लोग एज अ इंडियन, हम लोग ये नहीं सोचते। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम लोगों को भाईचारे से रहना चाहिए, हमें दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये भी एक तरीका है, बट अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो सबसे ऊपर आपका देश आना चाहिए। भाईचारा, नफरत, ये सब चीज़ों को आपको साइड में रखना चाहिए, और अपने देश की प्रगति, अपने देश का स्वाभिमान
अपने देश का अपमान कहीं भी सहन ना करें, अपने देश के स्वाभिमान को बचाए रखें, अपने देश के लिए सब कुछ करें, उससे ऊपर हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो कहीं भी कुछ भी हो। हमें लगे कि हम नहीं भाईचारे से बात को सुलटा सकते, नहीं, अगर हमारे देश और देशवासियों के साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो हमारे देश का अपमान है, उससे ऊपर हमारे लिए कभी कुछ नहीं होना चाहिए। आने वाली जनरेशन को भी हमें ये बता देना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना हमारे दुश्मन है, हम लोग उनसे कभी हाथ ना मिलाएं, किसी भी चीज़ में उनकी बनाई हुई चीज़ों को प्रोत्साहन ना दें। हमारे यहाँ गरीब तबका वही सामान बनाता है, अगर वो 5-10 रुपए महंगा भी है तो आप उसको लीजिए। सरकार से गुजारिश है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्स को कम करे, लोकल जो मोबाइल लोग डेवलप कर रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स पे टैक्स को कम करे, चाइना पे जो प्रोडक्ट चाइना से आ रहे हैं उन पे टैक्स को बढ़ाए, ताकि उन चीज़ों से लोगों को डीमोटिवेट हो। चाइना के मोबाइल्स को इतना महंगा कर दें कि लोग उसको खरीद ही नहीं पाए, और इंडिया के जो मोबाइल कंपनी हैं उनके मोबाइल को इतना सस्ता कर दें कि कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मिडिल क्लास हैं वो इंडिया के ही बने हुए फ़ोन्स को खरीदे, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। जो लोग सिर्फ फ़ोन करने के लिए, बेसिक फीचर्स के लिए यूज़ करते हैं, वो लोग अभी भी इंडिया के फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उनको नहीं ज़रूरत है इतने बड़े हाई फाई फ़ोन्स की, जहाँ पे वो लोग बहुत सारी फंक्शनैलिटी कर पाएँ। तो इन चीज़ों का हमारी अगर सरकारें भी ध्यान रखेंगी, हमारे लोग भी ध्यान रखें, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में 24 घंटे होनी चाहिए चाइना के लिए, एक छोटी से छोटी चीज़। और मैं ये बोलूँगा सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, देश विदेश की जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका की कोई है, चाहे वो यूके से है या यूरोप से है, कहीं से भी है, हमें अपने देश के ही लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी हमारा देश आगे विकास करेगा और आगे जाके और भी ज़्यादा विकसित बनेगा। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही था कि आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलवाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग सोशल मैसेज शेयर करते हैं तो काफ़ी कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो मैसेज देखने के लिए, पर जब हम लोग ऐसी कोई चीज़ शेयर करते हैं जो लोगों के इंटरेस्ट की है, जो चीज़ ट्रेंडिंग है और जिस चीज़ को बहुत लोग देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो वो वीडियोस को लोग ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये याद दिलवा पाऊँ कि जो चाइना की लड़ाई है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम लोगों को अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए कि हमने जो ऐप्स ब्लॉक करी हैं उससे हम चाइना से जीत गए हैं। आप लोगों को 24 घंटे 365 दिन अपने दिमाग में ये बात को रखना है कि हमने चाइना के बनाए हुए मोबाइल फ़ोन से लेकर कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। आप देखिए फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे इतने मोबाइल बिकते हैं 20-20 सेकंड में सोल्ड आउट हो जाते हैं, देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि इतनी सारी मुहिम चलाने के बाद भी, इतने लोगों को हम लोगों ने एजुकेट किया, कहीं ना कहीं अभी भी लोग उससे नहीं समझ रहे हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं, वो जो भी एक्शन कर रहे हैं वो उनके देश के विरुद्ध है। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को अपने देश को सबसे आगे रखना है। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से हमारी भारत माता ऊपर नहीं जाने वाली, हम लोगों को दिन रात मेहनत करके हर चीज़ वो करके अपने देश को ऊपर ले जाना पड़ेगा। एक दिन की जंग या कुछ दिनों की जंग लड़ने से ये जंग नहीं पूरी होने वाली है, हमें आने वाले 10-20 साल तक चाइना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल समान है और हम अब काफ़ी पीछे आ गए हैं अगर हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करें। हम एक डेवलपिंग नेशन है, चाइना एक डेवलप्ड नेशन है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेवलपिंग भी बताता है ताकि वो ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर पाए, बट ये सच है कि चाइना एक सुपर पावर है और अगर हमें उससे भिड़ना है तो हमें हर रोज़ उससे लड़ना पड़ेगा। हमारे यंग जितने भी जनरेशन के लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा रोज़ कि चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तभी जाकर हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी में वो बातें डाल पाएंगे जो हम लोग आज अपने करंट जनरेशन में डालने में असफल हो रहे हैं। तो दोस्तों बस ये एक प्रयास था आप लोगों को याद दिलवाने का कि
कि चाइना की जो जंग है वो छोटी जंग नहीं है, हमें अभी बहुत कुछ करना है अगर हमें चाइना से जीतना है तो। मेरी इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही था कि कैसे भी हम लोगों को अट्रैक्ट करें अपना ये कंटेंट देखने के लिए, ताकि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए। तो इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बने रहिए हमारे साथ और भी हिडन खबरों के लिए। जय हिंद।